ओम शांति एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू वैल्यू मिरर तो आज के इस नए टॉपिक में फिर से आपका स्वागत है तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टिप्स टू तो इम्प्रूव कंसंट्रेशन जो कि हम सब बच्चे बचपन में जब स्कूल में होते हैं या फिर कॉलेज में हैं कोई भी Uh, किसी भी स्तर पर है जब हम स्टडीज़ कर रहे होते हैं तो कई बार हमें कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम फेस होती है और जो बहुत छोटे किड्स होते हैं उनके पेरेंट्स कई बार परेशान हो जाते हैं कि अभी पेंसिल लेने जा रहे हैं अभी इरेजर लेने जा रहे हैं मम्मा अभी वॉशरूम जाना है तो घर में बैठ के तो मदर्स से तो वो बैठ के स्टडी नहीं करते तो आज ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर और कई बार बच्चे क्या करते हैं बैठे हैं बुक सामने रखी हुई है लेकिन मन में आ रहा है कि बहुत बोरिंग टॉपिक है हिस्ट्री तो आई डोंट वांट टू स्टडी हालांकि कहानियाँ पढ़नी हम सबको बहुत अच्छी लगती हैं कोई भी कहानी हो लेकिन हिस्ट्री की कहानियाँ हो सकता है कई बार हमें उसके वर्ड्स समझ नहीं आते या फिर कई बार हमें उसमें ईयर याद करना होता है नाइनटीन नाइन्टी दिस एटीन एटी दिस तो कहीं ना कहीं हम उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं कि हम उनको याद नहीं कर पा रहे और बोरिंग फील करते हैं तो दिमाग में वो बुक सामने है, पर कुछ और और चल रहा है तो ये कुछ चीज़ों को जब हम फेस करते हैं तो कई बार हम गिवअप कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं मेरे से तो होगा नहीं एग्ज़ाम में स्ट्रेस हो जाता है तो ये कुछ चीज़ों को सामने रखते हुए आज हम कुछ टिप्स आपको देंगे कंसंट्रेशन के ऊपर जैसे आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि एक फैमिली में पेरेंट्स सबसे बड़े उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़े और उनके सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है कि बच्चा कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा टीवी में सामने है तो उसमें कंसंट्रेट कर पा रहे हैं लेकिन पेंसिल नहीं है इरेजर नहीं है मम्मा अभी ये चाहिए वो चाहिए तो ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कई बार पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं तो हम चाहेंगे पेरेंट्स भी ये चीज़ ध्यान से सुने कि कैसे हम बच्चे को उसकी कंसंट्रेशन में मदद कर सकते हैं और आजकल तो ये एक डिजीज़ हो गया है ए जिसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जिसमें बच्चा अटेंटिव होकर बैठ ही नहीं पाता और पेरेंट्स उसी को समझ लेते हैं कि बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा तो अटेंशन से ना बैठना वो डिफरेंट चीज़ है और बैठा है पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा वो डिफ़रेंट चीज़ है तो हम इन दो चीज़ों को भी समझें कि हो सकता है कई बच्चे 11 परसेंट जो प्राइमरी चिल्ड्रन होते हैं आजकल उनको ए का प्रॉब्लम है कॉन्सनट्रेशन डेफिसिट डिसऑर्डर है तो ये दो चीज़ों को हमें डिफर करते हुए आज हम कंसंट्रेशन के टिप्स लेंगे अटेंशन ना होना और कंसंट्रेशन ना होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं तो ए में क्या होता है कि बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होगा वो बैठता ही नहीं है वो दो मिनट भी टिक के नहीं बैठ पा रहा बहुत इम्पल्सिव और बहुत रिएक्टिव होता है तो ऐसे बच्चों को फिर हमें डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी काउंसलिंग करनी पड़ेगी और मेडिटेशन से वो बच्चे ठीक होते हैं और कंसंट्रेशन की जब बात होती है तो वो हम खुद ही ठीक कर सकते हैं तो आज हम छोटी छोटी टिप्स जानते हुए इस सेशन को आगे बढ़ाते एक छोटी सी स्टोरी के साथ जो हमने बचपन से लेके गीता भी हमारे पेरेंट्स भी पढ़ते हैं और हमें भी सुनाते हैं और हमने देखा भी होगा टीवी में अर्जुन को कि अर्जुन जो था वो बहुत फोकस था तो आज जो गुरुजी हैं उनका इम्तिहान लेने आया एग्जाम लेने आया है तो सारे जो गुरुकुल में बच्चे हैं दुर्योधन है दुशासन है युधिष्ठिर है भीम है और अर्जुन है आज पाँचों ही उनकी परीक्षा होने वाली है और गुरु जी उन्हें कह रहे हैं कि जो सामने नकली चिड़िया है पेड़ पर उस चिड़िया की आँख में तीर मारना है और आज देखते हैं कौन कितना फोकस्ड है तो आज एग्ज़ाम डे है उनका एग्ज़ाम ये था प्रैक्टिकल एग्जाम था तो पांचों ही लाइन में खड़े हो जाते हैं युधिष्ठर भीम दुशासन और युधिष्ठर और अर्जुन तो पांचों रेडी हैं तो गुरुजी एक एक करके सबसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है कोई कहता है कि मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहे हैं चिड़िया भी दिखाई दे रही है कोई कहता है मुझे गुरु जी आप भी दिखाई दे रहे हो मेरे भाई भी दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं तो चार जब आते हैं चारों को ही मौका मिलता है लेकिन चारों को सब चीज़ें दिखाई देती हैं और जब अर्जुन की बारी आती है अर्जुन से पूछा जाता है अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है तो अर्जुन कहता है गुरुजी मुझे तो चिड़िया और चिड़िया की आंख का तारा दिखाई दे रहा है तो गुरु जी कहते हैं चलाओ तीर और चारों को मौका ही नहीं मिलता और अर्जुन को मौका मिलता है और अर्जुन जैसे ही तीर चलाता है तो बिल्कुल उसका निशाना चिड़िया की आंख के तारे पे जाके लगता है तो इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं था वो फोकस था एक ही चीज़ के ऊपर और ऐसे हम भी अर्जुन की तरह फोकस्ड रहते हैं ना जब टीवी देखते हैं जब कार्टून शो आ रहा होता है हमारा फेवरेट चाहे वो छोटा भीम हो डोरेमोन हो या शिनचैन हो या टॉम एंड जेरी हो या मिकी माउस हो सब शोज में हम भी कैसे बैठे होते हैं अर्जुन की तरह बैठे होते हैं एकदम फोकस्ड आंख भी इधर उधर नहीं होगी माउथ भी कुछ नहीं होगा कान कान आंख सब सेंसेस भी उसमें लगे हुए हैं और मन भी सारा उसमें लगा हुआ है मम्मा आवाज लगा रही है खाने की कोई टेंशन नहीं है जब हम पढ़ाई करते हैं उस वक्त क्या याद आता है पिज्ज़ा खाना है या कोई आवाज़ भी आ रही होगी वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है या फिर हमारे को लगता क्यों मेरे आगे से बार बार कोई आ जा रहा है और टीवी जब देख रहे होते हैं तो मम्मा की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है? और ना ही कुछ खाने को मन कर रहा है यानी सारे सेंसेस एक ही जगह में फोकस्ड है तो कंसंट्रेटेड तो आप हैं ही लेकिन कभी कभी कंसंट्रेशन क्यों जा रही है क्यों हमें कुछ और बोरिंग लग रहा है और ये चीज़ अच्छी लग रही है तो कंसेंट्रेशन का मतलब ही क्या है जिसमें हमारा माइंड और हमारे सेंसेस एक साथ लग जाए जैसे आप अभी सुन रहे हो तो आपका मन और आपकी आँख कान सब इसी में ध्यान से आप सुन रहे हैं इसको कहेंगे कंसंट्रेशन, और जिसको हम सहज शब्दों में कहेंगे हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी ही एक हैप्पी लाइफ बनाती है कैसे क्योंकि जैसे आप कार्टून देख रहे थे डोरा डोरेमोन या छोटा भीम तो मन भी वहीं था और आपके सेंसेस भी वही थे बॉडी भी वही थी तो आप खुश हो रहे थे कार्टून को देख के अर्जुन का तीर लगा वो खुश हुआ क्योंकि उसका मन और उसकी बॉडी वही था तो कंसंट्रेशन मीन्स व्हाट माइंड और बॉडी वही है तो कितना सिंपल है ना कंसंट्रेशन लेकिन आज छोटे छोटे हम ट्रिप्स जानेंगे क्यों हम बीच में लड़खड़ा जाते हैं जिसमें सबसे पहला आता है माइंड सेट कि हम मन में पहले से ही सोच लेते हैं कि मैं कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं सकता तो हम अपने आप को बोलते रहते हैं ये बड़ा डिफिकल्ट है मेरे से तो कंसंट्रेट होता ही नहीं है चाहे वो बैडमिंटन का गेम हो उसमें भी हम क्या बोलते हैं मुझसे नहीं होता इट्स वेरी डिफ़िकल्ट वो सामने जैसे ही आती है मैं बैडमिंटन से रैकेट से उसको मार ही नहीं पाता हूँ शटल को तो हम खुद ही मन से आ, वो हो जाते हैं डाउटफुल हो जाते हैं अपने लेकिन नहीं आई कॉन्ट कंसेंट्रेट तो अपने आपको अपनी एबिलिटी बतानी है कि मेरे ब्रेन के अंदर इतनी पावर है कि मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ आई हैव द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट और फिर आता है मेक डील्स विद योर माइंड हो सकता है आपको किसी ने कुछ कह दिया आपकी टीचर ने कुछ कह दिया आपकी मम्मा ने कुछ कह दिया भाई बहन का आपस में झगड़ा हुआ कोई भी इमोशनल इशू है कई बार पढ़ने बैठते हैं वो बात ही याद आती जा रही है तो अपने आप को समझाना है उस वक्त कि कोई बात नहीं थोड़ी देर बाद उसको रिजॉल्व करेंगे या फिर पढ़ने से बैठ उसको रिजॉल्व करके बैठे अगर उस समय में नहीं कर पा रहा तो अपने मन को कमांड दे दिया कि अभी नहीं बाद में करेंगे आपके घर में कोई बैगर आया आप उसको क्या कहते हैं बाद में आना हाथ जोड़ देते हैं दरवाजा बंद रखते हैं ताकि उस वो चला जाए तो ऐसे ही आपको वो इमोशनल नेगेटिव डोर्स बंद रखने हैं और एक टाइम पे एक चीज़ करेंगे तभी फोकस्ड रह पाएंगे कई बार हम क्या सोचते हैं कि ये हिस्ट्री भी उठा लेते हैं हिंदी भी उठा लिए इंग्लिश भी सारी बुक सामने रख दिया फिर हम घबरा जाते हैं ये भी पढ़ना है ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना एक भी चीज़ नहीं पढ़ पाते तो वो स्ट्रेस के कारण ब्रेन कामी करना बंद कर जाता है जिसको बोलते हैं फ्रोजन ब्रेन हो जाता है टू तो डू वन थिंग एट ए टाइम और दूसरी चीज़ एक और आती है स्विच हाई एंड लो अटेंशन टास्क इसका मतलब क्या होता है जैसे आप कंटिन्यूसली पढ़ते जा रहे दो हो दो घंटे हो गए चार घंटे हो गए ब्रेक तो लेना पड़ेगा ना तो ब्रेक कैसे लेना है हर घंटे में पंद्रह मिनट के लिए मान लो आपने ब्रेक लिया उस वक्त आप एक्सरसाइज कर सकते हो वॉक कर सकते हो और सबसे अच्छा तरीका क्या है हाई अटेंशन टास्क क्या था पढ़ रहे थे ब्रेन पूरा यूज हो रहा था लो अटेंशन टास्क क्या है फिजिकल कोई भी टास्क आप अपनी मदर की जाके हेल्प कर सकते हैं किचन में आप अपने छोटे भाई बहन के साथ वो खेल रहा है उसके साथ खेल सकते हैं अब दस मिनट जाके तो इस तरीके से आपको अपना ब्रेन जहाँ कम यूज़ हो रहा है उस लो अटेंशन टास्क पे लेकर जाना था आपकी आपके मन को रिलीफ मिले और रिलैक्स हो जाए और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि कौन सी एज स्पैन के बच्चे कितनी देर कंसंट्रेट कर सकते हैं तो उस हिसाब से आप अपना टाइम स्लॉट बनाइए कि मान लो आप सात साल के हो तो सात साल के बच्चे जो है वो चौदह से पच्चीस मिनट कंसंट्रेट कर सकते हैं तो आप बच्चों को ध्यान रखना है या पेरेंट्स को ध्यान रखना कि ट्वेंटी मिनट्स के साइकिल में उसको पाँच मिनट का ब्रेक देना है कि वो खुद नहीं बोले वो बहाना लगा के जाए कि मुझे पानी पीना ये करना है। तो ट्वेंटी मिनट्स के बाद ख़ुद उसको ब्रेक दे पेरेंट्स हेल्प करें कि वो ब्रेक के बाद फिर से पढ़ने आ जाए दस मिनट के तो ऐसे हमें अपना स्लॉट चेक करना है मैं कितने साल का हूँ और मुझे कितना स्पैन रखना है और सबसे बड़ी बात यह है कि रीडिंग आजकल बच्चे क्या करते हैं मोबाइल से ही सब कुछ पढ़ना चाहते हैं वीडियो क्लासेस चल रही हैं उन वीडियो क्लासेस से ही स्टोरी सुन ली और उसके हिसाब से एग्ज़ाम में लिखना होगा बट नहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्रूव किया है कि रीडिंग जो है हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ाती है कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होती है हम इजीली चीज़ों को ग्रास्प कर पाते हैं और अंडरस्टैंड कर पाते हैं और हमारे ब्रेन का साइज जो है वो बड़ा रहता है तो हमारे आपस में कॉग्निशन एक्टिविटीज़ जो है वो रहती हैं और साथ में जो ब्रेन का पार्ट एक्टिव नहीं है ना वो भी एक्टिव हो जाता है रीडिंग से तो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ऐसा ही पेंटिंग के लिए भी उन्होंने प्रूव किया है कि रीडिंग के साथ साथ पेंटिंग भी हमारे ब्रेन के सेल्स को एक्टिवेट रखती है और नेक्स्ट uh, आता है मेडिटेशन मेडिटेशन तो सबसे इजी है हम हर एपिसोड में कर ही रहे हैं कैसे अपने आप को रिलैक्स करना है ब्रीद इन करना है ब्रीद आउट करना है और पॉजिटिव थॉट क्रिएट करनी है उससे भी हमारा ब्रेन जो है बहुत शार्प होता है और फिर आता है एनवायरमेंट अब कहाँ बैठ कर पढ़ें बच्चों को लगता है कि हमारे घर के सामने तो मंदिर है वहाँ से आवाज़ आती रहती है या हमारा घर तो मार्केट के ही बीच में है नीचे से ट्रैफिक का आवाज़ ही कभी ख़त्म नहीं होता तो आपको देखना है कि आप कुछ ऐसी जगह चूज़ कीजिए हो सकता है आपके घर के पास कोई लाइब्रेरी है या फिर आपके स्कूल की लाइब्रेरी हो सकती है या आप कोई भी आपको ऑप्शन ढूंढना होगा हम बाना नहीं दे सकते हमें ऑप्शन ढूंढना होगा कि कहाँ बैठ के मैं पढ़ सकता हूँ मुझे याद है हमारे कोई रिलेटिव थे और वो अपने घर पे उनकी जो किचन थी किचन के ऊपर छोटा सा एक स्पेस होता था बिल्कुल छोटा सा कि आप उसके आ, अंदर बैठ ही सकते हो कोई खड़ा भी नहीं रह सकता तो उसके बीच में वो बैठ के पढ़ते थे और जब हम उनके घर जाते थे तो हमें पता ही नहीं होता था वो घर में हैं भी और बाद में कभी हमें जाके पता चला कि वो वहाँ बैठ पढ़ रहे होते थे इतनी गर्मी में जहाँ कोई फ़ैन नहीं था एक छोटी सी लाइट उन्होंने स्टडी लैम्प यूज़ करते थे और पढ़ते थे तो एक विल था तो अपने आप ही सब कुछ आ जाता है हमारे को अंदर से विल चाहिए कि हाँ मेरे को पढ़ना है तो अपने आप कंसंट्रेशन भी हो जाएगा फोकस भी हो जाएगा उनके घर के सामने भी मंदिर था तो कोई बहाना नहीं तो कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करती है हमारे विल पर भी डिपेंड करती है ना तो हम एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करें जहाँ हम फ़ोन ना लेके बैठे कंफर्टेबल चेयर हो मैं ये नहीं कहती कि आप ऐसे ही बैठ के पढ़ें आप ए रूम में बैठे आप कंफर्टेबल प्लेस पे बैठे अपने स्टडी रूम को पिक्चर्स से सजाए बट इट शुड बी ब्यूटीफुल एंड और साथ साथ हम के डिस्ट्रैक्शन भी रिड्यूस करना होगा कई बार हम क्या करते हैं चलो दो मिनट फेसबुक की पोस्ट देख लेते हैं क्या आया होगा किसी ने मेरे मैंने अभी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड किया किसी ने कमेंट किया होगा कितने लाइक्स आए हैं ट्विटर देखते हैं इंस्टा पे कितने लाइक्स आए हैं तो हम कहीं ना कहीं उन डिस्ट्रैक्शंस में अपने आप को उलझा के रखते हैं और आपको ये मालूम होना चाहिए एनर्जी अपने आप फ्लो करती है जहाँ पे हमारा अटेंशन जाता है एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज जैसे अटेंशन फेसबुक पे गया एनर्जी वहाँ जाएगी और आपको पता है जब हम एक काम से दूसरे काम में स्विच करते हैं तो उस काम से वापस अपने उसी काम में आने पर हमें 25 मिनट्स ब्रेन को प्रोग्राम करने में लग जाते हैं कि अब मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ मैं वापस पढ़ने आ चुका हूँ सोचिए मान लो आप एक घंटा पढ़े आपने उसके बाद दस मिनट की बजाय लंबा ब्रेक ले लिया जिसमें आपने ब्रेन से रिलेटेड कोई काम कर लिया या टी देख लिया तो आपका सब कुछ जो याद किया था आप भूल जाते हैं क्यों क्योंकि माइंड को अब क्या करना है उसको 25 मिनट्स तो वापस आने में लग जाएंगे स्विच करने में लग जाएंगे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम बीच बीच में जो फेसबुक ट्विटर इंस्टा आपको मालूम जो आई आई का टॉपर था उसका इंटरव्यू लिया चंडीगढ़ का वो सर्वेश था उसका इंटरव्यू लिया तो उससे पूछा कि आप सोशल मीडिया यूज़ करते थे उसने कहा मैंने दो साल सोशल मीडिया को टच भी नहीं किया मुझे ऐसे लगा कि ये अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है पूरी लाइफ है इसको यूज़ करने की लेकिन अभी अगर मेरी ये दो साल मैंने उस डिस्ट्रैक्शन में लगा दी तो शायद मैं टॉपर नहीं बनता तो हम मैं ये नहीं कहती कि आप फ़ोन नहीं चलाए। आप चलाएं आप भले चलाएं लेकिन उसका एक टाइम फिक्स हो ताकि हम अपने आप को कंसंट्रेट कर पाए स्टडीज़ में तो स्टाव योर डिस्ट्रैक्शन अपने डिस्ट्रैक्शन को भूखा मार दो मोबाइल को भी लगे ये मुझे यूज़ नहीं करता एंड फीड योर फोकस जो आपका लक्ष्य है आपका लाइफ का सक्सेस होने का एम है वो आप उसको फोकस को फीड कीजिए यानी उसके लिए मेहनत करना शुरू करना होगा और फिर आता है न्यूट्रिशन ये साइंटिफिक फैक्ट्स हम आपको बता रहे हैं कुछ फैक्ट्स ये हैं जिसमें सबसे पहला आता है डिहाइड्रेशन हमारे ब्रेन में 80 परसेंट वाटर है और उसमें से अगर 1 परसेंट वाटर भी कम हुआ तो हमारा मेमोरी जो है वीक होना शुरू हो जाता है और हमारा ब्रेन 100 परसेंट काम नहीं कर पाता एक्टिवली तो हमारे ब्रेन में जो फ्लूड है वो थोड़ा सा भी कम हुआ तो हम पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे तो आई हैव टू सी कि हम थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर में किचन में उठ के जा रहे हैं पानी लेने जा रहे हैं या स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद बोलते हैं मैम मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर तो वो ना करें अपनी बॉटल साथ में लेके बैठे और जब मैम कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रही है तो हम उसके बाद भी पी सकते हैं उसके पहले भी पी सकते हैं प्रिपेयर होके बैठे तो ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चे ऐसे ही करते हैं तो हम कंसंट्रेट कैसे कर पाएंगे तो वी नीड टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड गुड डाइट कहते हैं ना कि मसल्स के लिए प्रोटीन चाहिए और ब्रेन के लिए फ़ैट चाहिए और फ़ैट का मतलब ये नहीं है कि हम बर्गर्स पिज्ज़ा खाना शुरू कर दें कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे को तीनों टाइम की मील से मिलता है वो खाना बहुत ज़रूरी है और इसमें भी सबसे पहले आता है हेल्दी ब्रेकफास्ट कई बच्चे क्या करते हैं मॉर्निंग स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट ही नहीं करके जाते ऐसे खाली पेट चले जाते हैं तो जब तक हम हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे ब्रेन काम नहीं करेगा आपका हंग्री टमी सैड टमी होगा तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा स्कूल जाके हमने आई हैव ऑब्जर्व इन माई लाइफ कि जब हम स्कूल जाते थे तो हम कुछ फ्रेंड्स तो घर से खा कर आते थे तो हमने देखा जो हम घर से खा के आते थे ना हम कभी बीमार होते थे स्कूल जाके ना हमें कभी डिहाइड्रेशन होता था और ना ही हम स्कूल से बंक करना चाहते थे ना हम बीच बीच में पानी के लिए उठ के जाते थे बड़े प्यार से बैठ के सुनते थे और जो बच्चे कई बार टीचरों ने कहती भी थी कि आप घर से ब्रेकफास्ट करके आया करो तो वो नहीं करके आते थे जस्ट टू शो ऑफ कि हाँ हम टिफिन नहीं लाना चाहते स्कूल में या हम कोई पराठाज एंड वो नहीं खाते हम तो जंक फूड्स खाते हैं तो वो भी शो ऑफ करने के लिए बच्चे अपने टिफ़िन भी स्कूल में नहीं लाते तो हमें कोई भी मील स्किप नहीं करनी है और अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाना है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम सब बच्चे जंक फूड्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं जो एक्सेस शुगर होता है जो मार्केट के मशीन मेड्स फूड होते हैं मशीन मेड ड्रिंक्स होती है वो एक्सेस शुगर हमारे न्यूरल जो कनेक्शन होते हैं ब्रेन में उनको डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे हमारी मेमोरी पावर रिड्यूस होती है जैसे केक्स हैं पेस्ट्रीज हैं आइसक्रीम्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये सब मेमोरी को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो आई हैव टू सी अ चॉइस मेरी है कि मुझे रोज़ ये सब कंज्यूम करना है और अपनी मेमोरी कम करनी है या फिर हफ्ते में एक बार या चॉइस या फिर हम दिन में ले लें रात को सोने से पहले लेते हैं तो शायद वो हमारा वेट भी बढ़ा सकता है और आपको मालूम हो जिनका वेट ज़्यादा होता है ओवर वेट होते हैं उनका माइंड ब्रेन भी श्रिंक होना शुरू हो जाता है तो वो भी मेमोरी को इतना इफेक्ट करता है सोचिए छोटी छोटी चीज़ें हैं हम क्या खा रहे हैं कहाँ बैठते हैं और क्या देखते हैं हर चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है हमारे ब्रेन को तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू तो गेट अप एंड मूव अराउंड तो छोटे छोटे जब ब्रेक्स लेते हैं तो उसमें वॉकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिसर्च कहती है कि वॉकिंग करने से हमारा फोकस भी बढ़ता है पूरे दिन में जब भी हम टाइम एक स्लॉट फिक्स करें 20 मिनट्स 15 मिनट्स चाहे हम नेचर वॉक करें घर में छोटा सा गार्डन है उसमें थोड़ा टहल लें क्योंकि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने से भी हमारा मेमोरी पावर बढ़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि हमारी नींद भी पूरी होनी चाहिए लैक ऑफ स्लीप होगा तो हमारी मेमोरी पावर रिड्यूस होगी तो राइट अमाउंट ऑफ स्लीप एट राइट टाइम कई बच्चे क्या करते हैं पूरी रात पढ़ेंगे फिर पूरा दिन सोएंगे वो भी ठीक नहीं है क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक तो सेट नहीं है वो उल्टा हो जाएगा क्योंकि सन सेट होने के बाद हमारा मेलाटोनिन रिलीज होता है जैसे अंधेरा होगा तो मेलाटोनिन रिलीज होगा जो कि हमारे को सोने के लिए कहता है कि अब सो जाओ और जैसे रोशनी होती है मेलाटोनिन रिलीज होना बंद हो जाता है तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है तो हमें स्लीप टाइम पर ही सोना है एंड अवॉइड ब्राइट स्क्रीन्स बिफोर बेड ऐसा तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जो बच्चे लेटे लेटे फ़ोन देखते देखते सोते हैं उनका ब्रेन श्रिंक हो जाता है और आज बच्चे ही नहीं है, बड़े भी करते हैं तो हम सबको ये एक अवॉइड करना होगा ये चीज़ कि हम ब्राइट स्क्रीन्स चाहे वो टैबलेट हो लैपटॉप हो या मोबाइल हो हमें हर चीज़ जब हम बेड पे हैं हमें अवॉइड करनी होगी क्योंकि मैंने आपको भी बताया मेलाटोनिन जो रिलीज़ होता है हार्मोन वो रिलीज़ नहीं होगा एंड दैट ब्लू स्क्रीन जो है वो अवॉइड करेगी उस मेलोटोनिन को इनहिबिट करेगी रिलीज होने से यानी मेलोटोनिन रिलीज़ नहीं होगा फिर हमें बहुत देर तक नींद नहीं आएगी कई लोग रात को कॉफ़ी लेके सोते हैं पूरी रात सो ही नहीं पाएंगे तो वी हैव टू सी कि कौन सी चीज़ मेरा पूरा साइकिल डिस्टर्ब कर रही है जिससे मेरा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ रहा है ये सिर्फ हमारा बहाना है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हम प्रैक्टिस तो करके देखें हो सकता है एक दो तो बार आपको कुछ बोरिंग लगा होगा याद नहीं होगा और हम हमेशा के लिए हमने ये प्रोग्राम कर दिया अपने माइंड को कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता यू कैन यू आर अ कॉन्सनट्रेटेड पर्सन जब मोबाइल वीडियो गेम्स हर चीज़ में कंसनट्रेटेड है तो इसमें भी हो सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि फिजिकल एक्टिव एक्टिविटी जैसे खाना स्लीप ऐसे फिजिकल एक्टिविटी अब इसका मतलब ये नहीं कि हम जिम में जाएं और वहाँ जाके अपनी बॉडी बिल्डिंग करें वो नहीं है फिजिकल एक्टिविटी मीन्स एनी फिफ्टीन मिनट्स ऑफ वॉक और एनी स्ट्रेच एक्सरसाइज फॉर फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स इज़ एनफ इन स्टूडेंट लाइफ इसमें हमारे को जिमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है और उससे भी इन सब को करने के लिए मॉर्निंग में सिर्फ फाइव मिनट्स अपने आप को देने हैं हमें अभी टू मिनट्स में भी हो जाएगा आपको लिस्ट बनानी है कि आज पूरे पूरे दिन में मुझे कौन सा सब्जेक्ट स्टडी करना है तीनों टाइम मुझे टाइम पे अपना मिल लेना है कितने बजे सोना है पूरा टाइम टेबल अगर हम सेट कर लें शॉर्ट में तो वो भी हमें बहुत हेल्प करता है और हम क्या कहते हैं आज से मैं टालूंगा नहीं अब ये करके ही दिखाऊँगा अभी आप सुन रहे होंगे ना तो सोच रहे होंगे मन में आज से तो पक्का मुझे करना है कल तो सुबह मैं पक्का जल्दी उठूंगा वो थोड़ी देर के लिए तो हम कह देते हैं फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर हम कई बार ये भी बहाना लगा देते हैं नहीं नहीं अभी तो मैं नहीं कर सकता मेरे में तो एनर्जी नहीं है टाइम वेस्ट हो जाएगा अब आपने बर्गर खाया है खाने के टाइम पे खाना नहीं खाया है तो आ, एनर्जी कैसे आएगा बॉडी में हम जंक फूड्स की जंक फूड्स ले रहे हैं खाना नहीं ले रहे एनर्जी नहीं आ रहा फिर हम आज का काम कल पर टाल देते हैं तो प्रोकेस्टिनेट करते रहते हैं टालते रहते हैं उस टालने के कारण क्या होता है हम स्किप मील किया हाइड्रेटेड बॉडी नहीं था डाइट अच्छा नहीं लिया तो उसके कारण ओवर ईटिंग हो गया तो मैंने हर चीज़ में प्रोकैसिनेट करना शुरू कर दिया टालना शुरू कर दिया वो टालने की आदत क्या हो जाएगी फिर मुझे केयरलेस बना देगी लेजी बना देगी फिर मेरे मार्क्स कम आएंगे और फिर लास्ट में हम आके कहते हैं रोने लगते हैं अपने पेरेंट्स के आगे मैंने तो पूरी मेहनत की थी मैंने तो पूरी कोशिश की थी शायद आपने अपनी तरफ से किया बट तरीका सही नहीं था तो हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना है अपनी हैबिट्स को ताकि हम अच्छे से प्रोग्रेस कर पाए और हमारी ये डेली हैबिट बन जाए कि हम सोने से पहले अपना रूटीन बनाकर सोए या सुबह उठकर बनाएं और रात को सोने से पहले एक बार चार्ट देख लें कि आज पूरे दिन में कितनी प्रोग्रेस हुई है तो वो भी बहुत हेल्प करेगा तो ये लास्ट है कि कब पढ़ना है कहाँ पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है कब पढ़ना है मॉर्निंग में क्योंकि मॉर्निंग उठते ही हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक स्टार्ट होता है सनराइज होता है साइलेंट होते हैं एक्टिव होते हैं और नौ बजे अगर हम सो जाते हैं तो बेस्ट है और कहाँ पढ़ना है वो भी आपको बताया हमें आइसोलेशन प्लेस हो जहाँ आपको अच्छा लगता है वो एक अच्छा एनवायरनमेंट भी हो सकता है पहले ज़माने में तो कोई स्टडी टेबल और पर्सनल रूम्स नहीं होते थे हमारे फादर हमें बताते हैं कि वो जैसे स्कूल की छुट्टी होती थी एक बजे तपती धूप होती थी तो भी पेड़ के नीचे बैठ के स्कूल के पीछे पेड़ था और उस पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ के फ्री घर आते थे क्योंकि उन्हें पता था घर में पहले बहुत सारे बच्चे होते थे जॉइंट फैमिलीज होती थी पता था घर में पढ़ नहीं पाएंगे तो विल थी ना तो कहीं पे भी, भी बैठ के पढ़ लेते थे सोचिए तपती धूप में आज हमें कोई कहे कि कोई बैठ के पेड़ के नीचे पढ़ो तो शायद हम नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर इतनी विल पावर अभी नहीं है लेकिन पहले एक विल होती थी और आज आपके अंदर भी है तो आई होप आप ये टिप्स जरूर अपनाएंगे और ब्रेक्स ले कर डाइट ले के अपना एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे तो मेमोरी जो है एक स्किल है जिसको आपको डेवलप करना है और इसको डेवलप करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है और हेल्दी हैबिट्स को अपनाना है तो छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना है अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए उन्हें भी अपना प्लान सुनाइए अपना प्लान लिखिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी तो अब देखते हैं आप सेंसिबल हैं या सेंसिटिव है तो यह आपका होमवर्क है आप अपने आप को चेक करना जो सेंसिबल होगा जो देवता होता है ना कहते हैं वो इशारे से काम करता है और जो मानव होता है उसको बोलना पड़ता है इंसान को तो आप बोलने से करेंगे मम्मा बोलती है बेटा पढ़ लो पढ़ लो तब पढ़े या फिर सेंसिबल हो के इससे सीख कर हमारे को ये टिप्स फॉलो करके अच्छे से कंसंट्रेट होके स्टडी करना है तो हैव अ हैप्पी डे हैप्पी समर हॉलीडेज आई होप यू आर एंजॉयिंग योर हॉलीडेज तो आप ये कंसंट्रेशन टिप्स जरूर फॉलो करेंगे तो यू कैन लीव योर कमेंट्स ऑल्सो And have a happy day. Thank you. Om Shanti.